नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई थी जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट है, उसमें कई सारे पोस्ट है, असिस्टेंट लेके इंजीनियर तक के कई सारे पोस्ट हैं। और ये वैकेंसी जो है पूरे भारत के लिए वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है और बहुत सारे एप्लीकेंट लोगों ने अप्लाई किया था, क्योंकि इन कंपनियों में जल्दी वैकेंसी नहीं आती और आती है तो एक बहुत बड़ा क्रेज होता है स्टूडेंट में। इस वीडियो में ये देखेंगे क्या इसका अप्लीकेशन डेट एक्सटेंड हुआ है कि नहीं हुआ या होगा। देखिए अगर आप शेड्यूल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो जो इसमें इंपॉर्टेंट डेट इन्होंने दे रखा है उसके लिए आप देखिए, तो सबसे पहले इन्होंने ये दिया है कि डेट फॉर द रिनॉकिंग एलिजिबिलिटी फॉर ऑल पर्पस, इन्होंने दे रखा 30/9 को एक तरीके नोटिफिकेशन का शुरू हुआ था, आया था यानी कि। और इसका जो एप्लीकेशन शुरुआत हुई थी, डेट ऑफ द ओपनिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, वो 9 अक्टूबर से शुरू हो गया था, 9 अक्टूबर से लेकर के 8 नवंबर तक था, यानी कल तक था इसका एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डे। अब इसमें डेट क्या है, करेक्शन विंडो इन्होंने दे रखा है, करेक्शन विंडो है 10 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक, 2 दिन का करेक्शन विंडो दे रखा है, 2 डेज में आप इसको करेक्शन कर सकते हो, 2 दिन का टाइम है, 10 और 11 का डेट आपको मिलेगा। बात ये आती है कि क्या ये अभी एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा आज, क्योंकि आज 9th है तो आज का टाइमिंग है, मे बी अगर ये एक्सटेंड होता है तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है, यदि जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है उनके लिए करेक्शन विंडो तो ओपन हो जाएगा कल से। तो ये एक बहुत ज्यादा गूगल इंटरनेट पर ट्रेंड था कि एक्सटेंड हुआ है कि नहीं हुआ है, तो फाइनली ये एक्सटेंड नहीं हुआ है, ऑफिशियल कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है ये एक्सटेंड नहीं हुआ है। हाँ अगर एक्सटेंड जैसे ही होगा इमीडिएट मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कि एप्लीकेशन जो फॉर्म है एक्सटेंड हो चुका है, आप अगेन अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको NFL से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको ऑन टाइम आपके मोबाइल पे मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।